मैंने सिर्फ एबीपी और आज तक को देखा और किसी को नहीं देखा. एक्चुअली रेड कार्पेट पे एंटर करते हैं सबसे पहले वो इतने सारे न्यूज चैनल देखते हैं ना, मैं उधर तक पहुंची नहीं शायद. अच्छा ये बताइए भाभी माँ को मतलब फाइनली आप उनके क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा है गंगा नहा गई मैं. मतलब भाभी माँ को छू लिया मैंने तो मतलब आपको मैं क्या बताऊँ. गंगा जल को छूना और भाभी माँ को छूना एक ही सम्मान है मेरे लिए इस वक्त. येस आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली यहाँ तक तो पहुँची मैं कि भाभी माँ को हाथ लगा सकी. भले ही वो नींद में है, उनको नहीं पता है कि उनके पैर कौन दबा रहा है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली. धीरे 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 द आइस इज़ ब्रेकिंग. अब जब तक पूरी तरह मेल्ट ना हो जाए तब तक मुझे कोशिशें करते रहना पड़ेगा. लक्ष्य की प्लानिंग थी कहीं ना कहीं, भाभी माँ को पता भी नहीं चला. यस ये इस वक्त जो भी आप देखेंगे, जो भी भाभी माँ और मुझसे रिलेटेड होगा वो सब डुगू की ही प्लानिंग है और वही ये सब प्लान कर रहा है, जानबूझ के हम दोनों को पास लाने की कोशिश कर रहा है और ये जितना भी गिला शिकवा है उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है. भाभी माँ है ऑफकोर्स, गायत्री माँ के बाद भाभी माँ ही थी मेरे लिए. और भाभी माँ भी अपनी जगह तब भी इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि वो घर में सबसे बड़ी थी और अभी भी हैं, इसलिए हम सब उसे बहुत मानते हैं और इसी वजह से शायद उन्हें इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है कि उनका एक हुक्म है कि हम यहाँ ना रहें तो ना रहें. भले ही सब लोग उसके अगेंस्ट हो लेकिन चुपचाप सुन रहे हैं, भाभी माँ हैं इसलिए. अक्षरा के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो गया क्योंकि भाभी माँ मतलब अभी तक सब कुछ किया, उन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया और अभी भी इतना सब होने के बाद आप लगता है एक्सेप्ट करेंगी. मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है. इनफैक्ट एक आगे बहुत अच्छा सीन है जिसमें आंधी तूफान आएगा, पता नहीं गिर जाएगी ये भी गायत्री की तरह शायद. नहीं बचाऊंगी ऐसा कुछ है, गॉड नोस लेट्स सी. कुछ ऐसा होगा और शायद फिर थोड़ी और आइस ब्रेक होगी. थैंक यू.